ये वो पेशेंट है जो मोस्टली मिसडायग्नोस हो जाते हैं, वो समझते हैं मुंह के अंदर ना छाले बने हुए हैं। ये वो पेशेंट है जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह के अंदर ना छाले बने हुए हैं और उसकी जो टंग है वो छिली हुई होती है, जो लिप्स के साइडों पे वहाँ पे छोटे छोटे छाले नुमा चीज़ें बनी होती हैं। अच्छा, वो पेशेंट को ना खाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, पीने में बड़ी तकलीफ़ होती है और वो लुकमा खा नहीं सकेंगे, वो चीज़ कोई हार्ड ले नहीं सकेंगे। ऐसे पेशेंट को आँखों में देखा जाता है कि जैसे उनके खून की कमी होती है। अच्छा, उनको जब भी उसके हम नेल देखते हैं वो ऐसे लगता है जैसे स्पून शेप नेल है पेशेंट को। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म तक मेडिकेशन लेते रहते हैं, अल्सर की लेते रहते हैं। तो ये पेशेंट वो होते हैं जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT सर्जन। आई प्रैक्टिस इन सादान हॉस्पिटल जोहर टाउन। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर इन द फील्ड ऑफ ENT। आई हैव वर्कड फॉर कपल ऑफ ईयर इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लाहौर फॉर लास्ट 10 ईयर। आई एम वर्किंग एज ENT हेड एंड सर्जन इन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाहौर। तो आज का टॉपिक है पेटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम, या हम कहते हैं पिलम्बर विल्सन सिंड्रोम। अच्छा, ये वो पेशेंट होते हैं जिनको अक्सर कंप्लेन करते हैं ओपीडी में अक्सर खाने में तकलीफ़ होती है, पीने में तकलीफ़ होती है, या हम लुकमा नहीं खा सकते। अच्छा, जब भी ऐसे पेशेंट को हम ज़बान पे देखते हैं तो वो ज़ख्म से बने होते हैं, जैसे छिला होती है ज़बान, जिसे हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। इस तरह उनके अक्सर ज़ख्म एंगल ऑफ माउथ पे होते हैं। अच्छा, जब भी उसकी हम आइज़ के लिए खून के देखते हैं वो पेशेंट एनेमिक होते हैं, उनमें खून की कमी होती है। अच्छा, ऐसे पेशेंट को जब भी हम देखते हैं, नेल्स देखते हैं, उनको स्पून शेप नेल होते हैं। तो ये वो पेशेंट होते हैं जिसमें आयरन डिफिशेंसी एनीमिया होती है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ होती है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो मोस्टली फीमेल में देखा गया है, जो 30-40 एज में पास होते हैं, इनमें ये देखा गया है। ये वो पेशेंट हो जिनको एक दो बेबी हुए थे, ठीक है ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। या वो पेशेंट जो फॉर लॉन्ग होते हैं एरियाज में जहाँ पे काफ़ी आयरन डिफिशेंसी होती है, वहाँ पे ये चीज़ें देखी गई हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम एक दफ़ा मुआयना करते हैं, आईज़ को देख लेते हैं, ओरल केविटी और फेरिंक्स को हम देख लेते हैं, कैमरा से मुआयना कर लेते हैं, जिसे फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी है वो हम देख लेते हैं। तो जब भी ऐसे पेशेंट की हम टेस्ट करते हैं CBC, उसमें खून की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है। ऐसे पेशेंट की हम आयरन कराते हैं, सीरम आयरन, आयरन फेरेटिन करवाते हैं, वो उसकी कमी होती है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, ऐसे पेशेंट जब भी हम एक्सरे कराते हैं बेरम स्वालो, तो देखा गया कि जी जो खुराक की नाली है वहाँ पर इसोफेगल वेब बने होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे सर्विकल फाइब्रोसिस होती है, वहाँ पे छोटे से वेव बने होते हैं, झिली नमा चीज़ें बनी होती हैं, जिस वजह से खाना अटक जाता है, खाने में तकलीफ़ होती है, लुकमा अंदर निकला नहीं जाता, और पेशेंट मुस्तकल कमी होती रहती है, खाने पीने की उसको कमी होती रहती है। और ऐसे पेशेंट्स को फिर हम यानी कि हेमाटोलॉजिकल टेस्ट करवा के, एक्सरे हम टेस्ट करवा के, कैमरा से मुआयना करके, देन दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। ऐसे पेशेंट को फिर मैनेज किया जाता है। जो आयरन डिफिशेंसी की वजह से हम कहते हैं कि ऐसे पेशेंट की आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, उसको फिर ओरल या बास पेशेंट को इंट्राव्यूनस आयरन सप्लीमेंट दी जाती है, जिससे आयरन की कमी मुकम्मल ख़त्म हो जाए। जिनको इस पेशेंट के साथ साथ पेशेंट को जो इसोफेगल वेब बने होते हैं उसको फिर हम उस वेब की डायलेटेशन करते हैं, जिससे वो खुराक की नाली का रास्ता खुल जाए और इनटेक उनकी प्रॉपर हो जाए। बास को बोगी डायलेटेशन के साथ हम करते हैं, बास को दूसरे स्लास्टिक के साथ हम करते हैं, जैसे वो रास्ता उनका खुल जाए और पेशेंट को इनटेक ठीक हो जाता है, आयरन डिफिशेंसी सेटल हो जाती है, खाना पीना प्रॉपर हो जाता है। तो जितनी भी कमी है, स्पून शेप नेल वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस वो सेट हो जाते हैं, ग्लोसाइटिस वो ठीक हो जाती हैं, खून की कमी जो पेशेंट थके थके से होते हैं, हड्डियों में, बॉडी में, जोड़ों में दर्द रहता है, थोड़ा भी काम करते सर, ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस पेशेंट। अगर ऐसे पेशेंट को इग्नोर किया जाता है, चांसेस होते हैं कि अगर ये मुस्तकिल पेशेंट्स को आयरन डिफिशेंसी होगी, मुस्तकिल पेशेंट्स को वेब बने रहेंगे,
मुस्तकिल पेशेंट्स को ये यानी कि डिसफेगिया होगी, तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे कैंसर के मामला ना स्टार्ट हो जाए। खुराक की नाली में जैसे हम कहते हैं पोस्ट क्रिकॉइड, 10% चांसेस होते हैं कि पोस्ट क्रिकॉइड मेलिग्नेंसी ना स्टार्ट हो जाए। इवन बकल मिकोसा जो मुंह की झिल्ली है वहाँ पे, या जबान या खुराक की नाली या मैदे में, वहाँ पे कार्सिनोमेटस कंडीशन स्टार्ट हो जाए। तो वो पेशेंट जो इग्नोर हो जाते हैं मोस्टली कि मुंह में छाले हैं, लंबे अरसे तक मेडिसिन लेते ही जा रहे हैं, और दे डोंट कंसल्ट बाय नियर कंसल्टेंट इन ऑर्डर टू डायग्नोस प्रॉपरली एंड दे शुड बी ट्रीटेड। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये अलामतें हों, दे शुड कंसल्ट कि टाइमली मैनेज किया जाए, वरना ये कंडीशन करते 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 कैंसर तक चली जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट पेटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम या जिसे हम प्लम्बर विंसल सिंड्रोम, उसकी एहतियाती तदाबीर, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। थैंक यू सो मच।